वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल साइंस एमकेएस। स्टूडेंट इस वीडियो में बात करने वाले काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि काउंसलिंग जो प्रोसेस है उसकी प्रक्रिया है वो कैसे संपन्न होगी, उनको दिक्कत आ रही है क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं लिया होता है। तो ऐसे में स्टूडेंट मैंने ये वीडियो बनाना पड़ा। स्टूडेंट मैंने वो जो वीडियो एक्सप्लेनेशन का यानी कि काउंसलिंग की जो प्रोसेस हैं उसका पूरा विवरण मैंने अच्छे से दे दिया है। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, उनको देख लीजिए। मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको। बट अगर मेरा वो क्या है, वो मेरे दूसरे चैनल में अपलोड कर दिया है वो वीडियो, अगर आपने वो सब्सक्राइबर कर रखा होगा तो आपको मिल गया होगा, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर वो चैनल जो मेरा दूसरा चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो वीडियो आपको नहीं मिला होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ उनको देख लीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। अब रही बात की इसकी ये इंट्रक्शन क्या होगा, इसके इंट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए है, आप खुद पढ़ के उनको फिलअप कर सकते हो। इंट्रक्शन में कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, तो मैंने वीडियो में पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, इसमें रिक्वायरमेंट कोई नहीं होती। आपको रिक्वायरमेंट होगी तो एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड के थ्रू भी आप काउंसलिंग करवा सकते हो। और रही 10,000 का चालान, तो वो मैंने अच्छे से आपको अभी दिखाया था मैंने प्रीवियस में, वो आप देख सकते हो। और पूरा इसका विवरण तो मैंने जो वीडियो मेरा दूसरा उसमें मैंने दे दिया था आपको, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सेकंड काउंसलिंग अलग से पार्टिसिपेट लेने पड़ेगा, क्या उसके लिए भी अलग से 10,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे? तो ऐसा है जी, बिल्कुल नहीं, आपको एक ही बार फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेना पड़ेगा, उसी के जरिए आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले सकते हो, उसके लिए अलग से 10,000 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो स्टूडेंट काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वहाँ जाके आप उनको देख सकते हो, उसमें सारी जो प्रोसेस है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और रही बात कि आप खुद बनना चाहते हो, तो स्टूडेंट ऐसा है कि सभी के पास लैपटॉप कंप्यूटर अवेलेबल नहीं हो पाती फैसिलिटी, ऐसे में वो बाहर से ही भरवाते हैं फॉर्म, तो ऐसे में आपको जो ज़रूरत नहीं है कि खुद सीखे फॉर्म बनना, आप ई मित्र से भी भरवा सकते हो। और आप खुद बनना चाहते हो तो स्टेपरी 6 स्टेप इसके ज़रिए आप खुद भर सकते हो, बट आपसे कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए इसमें, अगर आप इसमें कुछ कर देते हो तो आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए किसी एक्सपर्ट से आपको काउंसलिंग करवानी है ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब रही बात कि सेकंड काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट लेना है, उसके लिए क्या फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेना ज़रूरी है, एडमिशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे, मेडिकल कैसे बनवाने हैं क्योंकि मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे, तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे जब इनकी रिक्वायरमेंट होगी। और आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको इजी अवेलेबल हो जाएंगे ये सारी प्रोसेस। सो स्टूडेंट नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी काउंसलिंग की।